सो डियर किड्स नाउ लेट्स डू दिस टेस्ट वट इज इन दिस टेस्ट रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आपको ये पैसेज रीड करके क्या करना है जो दिए गए क्वेश्चन है उनको उनका आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पैसेज मैनी ईयर्स एगो इन चाइना देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम सूही क्या था बॉय का ने सूही ही वॉज इंटेलिजेंट एंड सेंसियर एंड लव्ड फ्लार द मोस्ट वो इंटेलिजेंट था सिंसियर था एंड सबसे ज़्यादा लव वो किसका करता था फ्लावर को ही हैड प्लांटेड उसने प्लांट कर रखे थे ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्लार इन हिज गार्डन सो नाउ लेट्स टू क्वेश्चन वट वॉज द नेम ऑफ द यंग बॉय जो यंग बॉय था उसका क्या नाम था यू हैव रेड हेयर ना लिवड आ यंग बॉय नेम्ड शोही एस एच यू आई क्लियर सो फर्स्ट क्या आपका जॉन एस यू एच आई एस एच यू आई सो आंसर क्या होगा आपका शोही क्लियर नेक्स्ट इज हाउ वॉज द बॉय बॉय कैसा था यू हैव रेड द रेट दिस पैसेज ना सो ही वॉज इंटेलिजेंट एंड सेंसियर वो इंटेलिजेंट भी था और क्या था सेंसियर भी था सो हेयर आंसर इंटेलिजेंट सिंसियर बोथ ऑफ दिज सो वो एक कैसा था सिंसियर भी था और इंटेलिजेंट भी बोथ ऑफ दीज ही लव्ड डैश द मोस्ट वो सबसे ज़्यादा लव किसको करता था ही मोस्ट सबसे ज्यादा किसको लव करता था प्लांटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डैश इन गार्डन अपने गार्डन में उसने हर तरह के क्या प्लांट कर रखे थे प्लांटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स क्लियर सो आंसर क्या होगा इसका फ्लार पास फॉर्म ऑफ लिव फ्रॉम द पैसेज जो लीव है उसके पास्ट फॉर्म क्या होती है लीवड सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म किसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म को सो सेकंड फॉर्म क्या है लीव और पैसेज में कहा पे है वो लीव सो पास्ट फॉर्म ऑफ लीव इज एवड और नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट अपोजिट ऑफ ओल्ड फ्रॉम द पैसेज जो ओल्ड है उसका अपोजिट क्या होता है यंग स्मॉल नहीं होता ना ब्यूटीफुल भी नहीं होता अपोजिट क्या होता है ओल्ड का यंग एंड यू कैन सी हेयर ऑल्सो मैनी ईयरस एगो इन चाइना लिव्ड लिव यंग सो अपोजिट ऑफ ओल्ड इज ए यंग क्लियर सो डियर किड्स इन दिस वे यू विल सॉल्व योर अनसीन पैसेज पहले आप पैसेज को अच्छी तरह से रीड करोगे आफ्टर दैट यू विल Find the answer from the passage. Clear?